हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सबको पसंद आने वाली चाउमीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारे बाहर जैसी चाउमीन नहीं बन पाती है जो स्ट्रीट पे मिलती है, तो क्यों ना आप इस स्टाइल से बनाएं जो बिल्कुल बाज़ार जैसी चाउमीन लगेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैंने एक बाउल चाउमीन लिया है, मैं इसको बॉयल कर ली हूँ। बॉयल करने के लिए मैंने पानी में थोड़ा सा तेल डाला था और साथ ही साथ मैं नमक डाल के इसे बॉयल की हूँ और स्ट्रेन करके ऊपर से मैंने तेल लगा दिया है इसके ऊपर ताकि ये आपस में ना चिपक सके। और मैं यहाँ पे कैबेज ले रही हूँ, इसको भी लंबे आकार में मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैं ग्रीन, येलो और रेड कैप्सिकम ले रही हूँ। ये सारे कैप्सिकम को भी मैंने लंबे आकार में काट लिया है। मैंने प्याज लिया है, दो प्याज मैंने इसको लंबे आकार में काटा है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे गाजर ली हूँ, इसे भी लंबे आकार में काट लिया है। मैं सारे वेजिटेबल्स को लंबे आकार में काट ली हूँ। मैं यहाँ 2 चम्मच टोमेटो सॉस ले रही हूँ। आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं अगर तीखा खाते हैं तो। मैं यहाँ 2 चम्मच सोया सॉस ले रही हूँ और साथ ही साथ मैं अदरक, मिर्ची और लहसुन का दरदरा कुटा हुआ तैयार कर ली हूँ। नमक और थोड़ी सी दरदरा कुटी हुई मैंने यहाँ पे काली मिर्च लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे चेक हो चुके हैं, ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स चेक हो चुके हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप एक बार फिर से देख लें, सब चेक हो गई। अब हम इसे बनाएंगे कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आता है और इससे चाउमीन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें 3 चम्मच तेल डाली हूँ। अब इसमें ये जब गर्म हो जाएगा तो मैं अदरक, लहसुन और मिर्च का दरदरा कूटा हुआ डाल दूँगी। याद रखें मैंने यहाँ पे फ्लेम हाई रखा है क्योंकि हमें इसे हाई फ्लेम स्मोकी फ्लेवर की तरह इसे पकाना है। मैं यहाँ पे प्याज, गाजर सब डाल दी और अब मैं अदरक लहसुन के साथ इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हमें बहुत सब्जी नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ये गलने टाइप हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कैप्सिकम, जो मैंने येलो, रेड और ग्रीन कैप्सिकम लिया है, वो सारा इसमें डाल दूँगी और इसे वापस से चलाऊंगी, वापस से मिला दूंगी। फ्लेम हाई है हमारा। अब यहाँ पे मैं नमक डाल दूंगी ताकि सब्जियों में अच्छे से नमक चला जाए। नमक आप उतना ही डालें क्योंकि हमारे सॉस में भी नमक है, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग डालें। इसे वापस से मैं चलाऊंगी, थोड़ी देर ही चलाना है हमें और ये थोड़ा सा गल जाता है, बहुत नहीं चलाना है हमें। अब इसमें मैं कैबेज डाल दूंगी। फ्लेम हाई है इसलिए आप सब सब्जी पे देखेंगे आप पानी नहीं छोड़ रहा है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। फ्लेम भी ये देखिए, बस यूं ही सबको चलाते रहना है, सारे सब्जी को अच्छे से मैं हाई फ्लेम पे इसे चला रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सॉस ऐड करूँगी, मैं टोमेटो सॉस डालूँगी, साथ ही साथ मैं यहाँ पे सोया सॉस भी डालूँगी। सोया सॉस आप कम बेसी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए मैं इसको मिक्स की हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ये। अब यहाँ पे मैं चाउमीन डालूँगी और इसके साथ ही मैं काली मिर्च, जो मैंने दरदरा कुटा हुआ लिया था, वो भी यहाँ पे डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ये इन सबको, फ्लेम हाई है, इन सबको अच्छे से बस 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैं भून लूँगी और गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये हमारा बनके परफेक्ट चाउमीन स्ट्रीट वाली रेडी हो चुकी है। देखिए कितना यमी लग रहा है देखने में ही, जब आप खाएँगे तो ये आप मान लीजिए कि आप बिल्कुल ही इसी तरह हमेशा बनाते रहेंगे और इसको बनाने में कोई मेहनत भी नहीं है। आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, आपके कोई भी गेस्ट को अगर आप सर्व करते हैं तो वो भी बहुत पसंद करेंगे। आप बताना ना भूलें कि आपको कैसा लगा ये। थैंक यू।